हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 34 में कौन किया है कि भाग दो, इसका बी नंबर जो पोर्शन है उसमें देखते हैं अन्य पदों पर कौन कौन भारत में अभी उपस्थित है, कौन कौन लोग हैं। भाभा परमाणु केंद्र के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, भारत के लोकपाल, भारत में 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष को मनोनीत किया गया। ये भारत के प्रथम लोकपाल हैं। लोकपाल के पद पर ये न्यायाधीश हैं पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आ जाए, या तो 5 वर्ष के बाद जो है लोकपाल हट जाएंगे और नए लोकपाल की नियुक्ति होगी, या अगर उनकी उम्र जो है 70 वर्ष हो जाए तो वे इस पद से हटा दिए जाएंगे। तो वर्तमान भारत में भारत के लोकपाल और प्रथम लोकपाल पीसी घोष हैं। पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष न्यायाधीश है और ये जो है 19 मार्च 2019 से इस पद पर है। 19 मार्च 2019 से ये भारत के प्रथम लोकपाल है। प्रथम लोकपाल हमारा 3 नंबर जो है, 3 नंबर पर आईबी के अध्यक्ष कौन है? आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आसूचना विभाग, इसकी स्थापना 1887 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। तो आईबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार, अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो, अरविंद कुमार आईबी भारत की खुफिया एजेंसी है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। 1887 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय किसान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। एक साइंटिस्ट भी हैं नाथन, स्वामीनाथन ये एक साइंटिस्ट भी हैं, बॉटनी के भारत के जाने माने ये साइंटिस्ट हैं। हमारा अगला सवाल है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग के अध्यक्ष हैं मोतीलाल चिमनलाल सेटलवाड, मोतीलाल चिमनलाल सितलवाड, सितलवाड मोतीलाल चिमनलाल सितलवाड 22 फरवरी 2020 से ये पद पर हैं। 22 फरवरी इनकी नियुक्ति 22 फरवरी 2020 यानी 2020 को हुई से। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मुजफ्फरपुर से बीजेपी के नेता भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। भगवान लाल सहनी, भगवान लाल सहनी
भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, 6 अक्टूबर 2020 से। दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। खारा ये जो है 6 अक्टूबर 2020 से अपने पद पर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। ये 15 अक्टूबर 2019 से इस पद पर है। 2019 राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष कौन है? आरबी वर्मा को नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय आवास बैंक का आरबी वर्मा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड ये कृषि से संबंधित है। नाबार्ड इसकी स्थापना भारत में कृषि के विकास के लिए की गई थी। हर्ष कुमार भनवाला इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, हर्ष कुमार भनवाला। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनके सिंह। आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं राकेश शर्मा। हमारा अगला आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? ये 13 नंबर प्रश्न है। आईआरडीए के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। स्टूडेंट अब हम लोग 14वें पॉइंट को देखते हैं। 14 नंबर जो पॉइंट है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष का 18 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, 2022 तक ये ही अध्यक्ष रहेंगे, अजय त्यागी। ये 2017 से सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी यानी सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है अजय त्यागी को। ये 2017 से सेबी के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल वर्तमान समय में 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब ये 2022 तक सेबी के अध्यक्ष रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस जे एल दत्तू दत्तू को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जब इसकी स्थापना 1992 में हुई थी तो इसके प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सैयद घयोरुल हसन रिजवी।
हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को राष्ट्रीय वर्तमान में राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल को एसोचैम, व्यापारियों की एक संस्था है, विनीत अग्रवाल को एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है, विनीत अग्रवाल। हमारा अगला पॉइंट है, कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रमोद अग्रवाल। और 20वां पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 12 मई 2020 को 12 मई 2020 को वी विद्यावती एक आईएएस है, आईएएस अधिकारी है, को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट, ये एनटीपीसी की जो वर्तमान में होने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कौन क्या है, वर्तमान में भारत में कौन क्या है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके भाग ए में हमने 48 संस्थाओं के बारे में और व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी दी थी। भाग सामान्य ज्ञान भाग 33 कौन क्या है भाग ए में, और इसमें अब तक हमने आपके समक्ष 20 तथ्य जो है प्रस्तुत किए हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले तथ्य की ओर चलते हैं, यानी पॉइंट नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखते हैं आरपीएफ के महानिदेशक है अरुण कुमार, ये वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं वाईसी मोदी, और ये 2021 तक मई 2031 तक इस पद पर बने रहेंगे। इनको जो है इस पद पर नियुक्ति जो है 2017 में की गई थी। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल राजीव राय भटनागर। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं कुमार राजेश चंद्रा। अगला देखते हैं, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक बनाए गए हैं अनूप कुमार सिंह। एनसीसी नेशनल कैडेट क्रॉप के महानिदेशक बनाए गए हैं राजीव चोपड़ा। एनसीसी के महानिदेशक हैं राजीव चोपड़ा। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना को बनाया गया है, सीबीआई से भेजा गया है ये राकेश अस्थाना। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनाए गए हैं कृष्ण स्वामी नटराजन
कृष्ण स्वामी नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन नटराजन एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एईसी यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के एन व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं, आयुक्त बनाए गए हैं संजय कोठारी वर्तमान में सीबीसी के आयुक्त हैं। अगला है पॉइंट हमारा ट्राई यानी भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये हैं डॉक्टर पी डी बघेला। ये 29 सितंबर 2020 से इस पद पर हैं। और ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को स्थापित हुआ था ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं हेमंत विश्व शर्मा। और ये इस पद पर हैं 15 अप्रैल 2018 को भारतीय बैडमिंटन संघ का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्टूडेंट अब देखते हैं भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस सी के प्रसाद चंद्रमौली कुमार प्रसाद। हमारा अगला पॉइंट है लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी, वर्तमान में लोकसभा के नेता हैं नरेंद्र मोदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं थावरचंद गहलोत को
राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता बनाया गया है, जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 20-40 पॉइंट रखे। कौन क्या है भारत 2021 में, कौन क्या है भारत में, इसके भाग सी में अन्य जो बचे खुचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आपको रखा जाएगा, आपको दिया जाएगा। ये जो है भारत के विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम हैं जो 2021 में वर्तमान समय में ये भारत के उच्च पदस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के नाम हमने आपके समक्ष रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विशेषकर आगामी परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हमने यह वीडियो तैयार किया है। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।